हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज आपके साथ मैं छोटी मिनी सिलाई मशीन का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। इसे मैंने अमेजोन से मंगाया है और मुझे इसकी नीड थी, इसलिए मैंने इसको मंगाया है। तो इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कैसे रिसीव हुआ है। हाँ फ्रेंड्स, की पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है। और फ्रेंड, ये जो मैंने मशीन मंगाई है, ये टेबल के साथ मंगाई है। ये बिना टेबल के भी मिलती है, बट मैंने टेबल के साथ मंगाई है। इसलिए फ्रेंड, मुझे ये जो मशीन है ये 1500 की पड़ी थी अमेजोन से, इस टेबल को ऐड करके। ठीक है, ये इसका टेबल है। अब मैं आपको मशीन दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये है मशीन। ठीक है, ये फ्रेंड सिलाई मशीन, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ओपन करके दिखाती हूँ। ये फ्रेंड, इसमें कूपन कोड है और फ्रेंड इसमें 3 मंथ्स की वारंटी है, स्कैन करने पड़ता है। और फ्रेंड इसमें इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आपको धागा वगैरह डालना है। इसमें सारे इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन बुक है इसकी कि कैसे इसको आपको यूज़ करना है, कैसे इसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और फ्रेंड ये है मशीन, इसको मैं निकालती हूँ। पैकेजिंग तो फ्रेंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने मुझे दिया है। और फ्रेंड देखिए, ये इसके अडेप्टर हैं और चार्जर है। हाँ फ्रेंड देखिए, इन्होंने ऑलरेडी ट्राई करके देखा है कि मशीन सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, और इन्होंने ऑलरेडी देखिए धागा डाल के इसमें दिया हुआ है, मुझे अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ। फ्रेंड देखिए, हाँ ये यहाँ पर ये बैटरी वाला है, ये बिना ये बैटरी से भी चल सकता है। अगर आप चार्जर नहीं लगाना चाहते तो बैटरी से भी चला सकते हैं, कहीं भी बैठ के आप चला सकते हैं बैटरी से। ठीक है, यहाँ पर 4 बैटरी लगेंगी। हाँ फ्रेंड, मैं आपको सिलाई मशीन के एक एक करके सारे इसके फीचर्स आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो इसके बटन है, यहाँ पे जो 3 बटन दिए हैं, सबसे जो नीचे में बटन है फ्रेंड, इसमें आप स्पीड का है, इसमें आप लो और हाई स्पीड में कर सकते हैं। और फ्रेंड ये ऑन ऑफ का है और ये लाइट का है। ठीक है फ्रेंड, ये डायलर है, डायलर को यूज़ करके आप फ्रेंड आप नीडल में आप थ्रेड डाल सकते हैं। और ये जो फ्रेंड ये जो दिया हुआ है, ये एम्प्टी बॉबी को थ्रेड फिल करने के लिए दिया हुआ है। इसको फ्रेंड आप बहुत ही केयरफुल चलाएं, इसको अपने अपने साइड पे चलाएं, इसको जब यूज़ करना हो नीडल में आपको थ्रेड डालना हो, नहीं तो ये बहुत सेंसिटिव खराब हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड मुझे तो इसमें ऑलरेडी सब कुछ मुझे मैंने आपको दिखाया था, ऑलरेडी इसमें धागा डाला हुआ था, बट मैंने फिर भी निकाल के अपने तरीके से मैं इसको डालूंगी। बाकी नीचे जो इसका एम्प्टी बॉबी पेन है, यहाँ पे जो एम्प्टी यहाँ पे ये था, ये भरा हुआ है, खाली नहीं है, तो मुझे भरने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड देखिए, मैंने थ्रेड को निकाल लिया है, मैं दोबारा इसको नीडल में डालूंगी। तो यहाँ पे 7 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 7 पॉइंट के थ्रू हमें थ्रेड नीडल में डालना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैंने डाल लिया है, अब मैं यहाँ पे इसको डालूंगी, ये देखिए। फ्रेंड, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप नीडल में थ्रेड कैसे डाल सकते हैं। फ्रेंड ये मशीन के साथ मिला हुआ है, इसके यूज से फ्रेंड आप इजीली थ्रेड को नीडल में डाल सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे नीडल में जो छेद है ना, उसमें आपको डालना है, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड, जो धागा है इसमें आप डालिए, ये देखिए, इजीली आप डाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए,
आप इसलिए भी डालेंगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखा फ्रेंड कितना बढ़िया ये टूल है ना। अब फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी कि इस मशीन के साथ जो मुझे एक्सेसरीज मिली उसमें क्या क्या मिला है। तो फ्रेंड यहाँ पे चार मुझे बॉबी मिले हैं, ठीक है। तो इसमें दो में धागा पड़ा हुआ है, दो एम्प्टी हैं। और फ्रेंड इसमें एक मैंने आपको दिखाया था ना निडल डालने वाला, जो निडल में थ्रेड डालने वाला वो इसमें है, और एक इसमें निडल दी हुई फ्री, ठीक है फ्रेंड। और ये इसका फुट पेडलर है, ठीक है। और ये फ्रेंड इसका ये प्लग है, ठीक है। इसके आप इसे बैटरी से भी चला सकते हैं और प्लग से भी चला सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक बार पैडल इसका चला कर दिखाती हूँ कि कैसे इसको यूज होता है, ठीक है। फ्रेंड यहाँ पे इसका ये स्विच है, ये वाला जो स्विच है यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं प्लग पे, और ये फुट पैडल है, ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड पहले मैं आपको फुट पैडल दिखा देती हूँ चला के कैसे चलता है। देखिए फ्रेंड, ठीक है ये चल गया। अब यहाँ पे जो फ्रेंड है ना फ्रेंड यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ का, तो देखिए इसे इजिली बंद हो जाता है, ठीक है। इस मशीन को फ्रेंड बहुत ही केयर करके आप चलाएंगे तो अच्छी चलेगी, अगर आप लापरवाही से चलाएंगे तो ये खराब भी जल्दी हो सकती है। तो इसको बहुत ही अच्छे से इसको चलाइएगा, ठीक है। और फ्रेंड इसमें लाइट का भी ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे इसकी लाइट जलती है, ठीक है। अब फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी एम्प्टी बॉबी को कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने थ्रेड लगा लिया है, देखिए फ्रेंड मैंने थ्रेड लगा लिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रेंड क्या करेंगे, थोड़ा सा धागा इसमें बांधेंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा लिया, अब इसको हम ऑन करेंगे, देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से, देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से फिल हो गया ना, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब फ्रेंड मैं आपको इस कपड़े पे सिलाई चला के दिखाती हूँ, सिलाई मशीन चला के दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड चल गया नहीं, बहुत बढ़िया से अच्छे से सिलाई भी हो गई। ये देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से सिलाई हुई है ना, ये देखिए ये वाली कितने अच्छे से सिलाई होगी। तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया ये मशीन लगी है। अब फ्रेंड मैं आपको इस मशीन के बारे में एक चीज़ आपको और दोबारा बता देना चाहती हूँ फ्रेंड, हमेशा जो डायलर है फ्रेंड इसको हमेशा अपनी तरफ ही रोटेट करें, इसको अपोजिट में रोटेट ना करें, वरना ये इसमें धागा फंसने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसलिए हमेशा से अपनी तरफ ही जब आपको धागा डालना हो या निकालना हो तो उसके अपनी तरफ इसको घुमाएं, अपोजिट डायरेक्ट मत घुमाइएगा, ठीक है। और फ्रेंड इसको बहुत ही आप जो ये मशीन इसको बहुत ही केयर होकर इसको चलेगा तभी बहुत चलेगी। आप जरा सा भी लापरवाही करेंगे, अपने धागा कलर डाल दिया है, यहाँ से कुछ चीज़ मिस होगी तो बहुत इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। फ्रेंड मुझे मशीन काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि आप कहीं भी एडजस्ट हो जाती है, आप इसे कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये आपके ज़्यादा बिल्कुल जगह स्पेस नहीं लेती है। और फ्रेंड अगर आप इसे बैटरी के साथ भी चला सकते हैं, आप कहीं भी इसको बैठ के चला सकते हैं, अगर आपको प्लग नहीं लगाना तो ये बैटरी से भी चल जाएगा, सबसे अच्छा इसमें बढ़िया बात यह है। अब मैं इसका आपको टेबल लगा के इसको आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड ये इसकी टेबल है, अब मैं टेबल इसको लगा के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये फ्रेंड्स की टेबल है, ये इसके नीचे का यहाँ से इसका स्टैंड है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड इसमें टेबल अच्छे से सेट हो गई है। फ्रेंड मुझे टेबल के साथ मुझे ये 1500 का मिला था, अगर आप विदाउट टेबल लेते हैं तो थोड़ा सा कम रेंज में आपको मिलेगा। और बाकी फ्रेंड मुझे मशीन काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही कम स्पेस लेती है। आप फ्रेंड इसमें अपना जो भी फटे कपड़े हैं या फिर कहीं से कुछ कपड़ा फट गया उसको सिल सकते हैं, आप कुशन कवर बना सकते हैं, जो भी अगर क्रिएटिव आप कुछ भी इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, जैसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं।
और इसमें आप कुशन कवर वगैरह कुछ भी इसमें बना सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और कम स्पेस घेरती है, और इसमें फ्रेंड बिना बैटरी, ये बिना प्लग के भी चल जाता है। आपको बैटरी, बस आपको बैटरी लगानी है, आप इसको कहीं भी बैठ के चला सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, अगर आपको भी अच्छी लगी हो फ्रेंड इसे आप खरीद सकते हैं। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।